स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे माइंस वाले चैप्टर च आप फिजिकल प्रॉपर्टीज कर चुके से ठीक है। नाइट्रोजन वाले चैप्टर च आज आप केमिकल प्रॉपर्टीज करांगे। तो एक टॉपिक मैं हजे स्किप करवा रही हूँ, दैट इज बेसिक रिएक्टर, तो बाद चो करांगे लास्ट में। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मतलब एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो यदि एल्काइलेशन अपने अमीनस की करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ, तो अल्काइल हलाइड यूज करते हैं आप। तो कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो ठीक है। तो हाइड्रोजन हैलोजन एसिड बाहर जाएगा ठीक है जी। तो जब हैलोजन एसिड बाहर जाएगा तो C2H5N C2H5H ठीक है। अगेन एक और मॉलिक्यूल ऐड करो C2H5Cl, तो अगेन HCl बाहर जाएगा ठीक है जी। तो तीन मॉलिक्यूल हो गए। तो इस तरह अपने को टर्शरी जड़े आ अमीन्स बनते हैं ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप विद एसाइलेशन करते हैं, एसाइलेशन होंगे दिस ग्रुप CH3 या RCO ग्रुप ऐड करा ठीक है, असाइल ग्रुप। तो C2H5N तो NH2 है ठीक है। असाइल ग्रुप असाइल क्लोराइड यूज करते हैं आप ठीक है। दिस इज असाइल क्लोराइड। तो अगेन HCl बाहर जाएगा ठीक है। तो इतने अपने को अमाइड पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं C2H5NHCO ठीक है। इन आप पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज ठीक है। नेक्स्ट वन इज कार्बाइलमीन। तो कार्बाइलमीन च आप प्रिपेयर करते हैं नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल्स किदा प्रिपेयर किए जाते हैं, अमीन लो ठीक है C2H5NH2 इन दी क्लोरोफॉर्म दी प्रेजेंस और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दी प्रेजेंस च जब रिएक्शन करवाई जाती है, दिस ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय साइनाइड ठीक है जी। तो C2H5NC नाइट्रोजन के थ्रू इंट्रैक्शन होंगी है, तो इन आप बोलते हैं आइसो साइनाइड ठीक है जी। सिमिलरली अगर आप अराइल अमीन लें NH2, तो क्लोरोफॉर्म के नाल रिएक्ट करवावे तो इट विल फॉर्म आइसो साइनाइड ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट होंगे कुछ डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। तो हिजनबर्ग टेस्ट, हिजनबर्ग्स टेस्ट च की होंदा है आप की करते हैं, अगर अपन डिस्टिंग्विश करना है कि प्राइमरी अमीन आ कि सेकेंडरी अमीन आ कि टर्शरी अमीन आ, तो अमीनस नूं आप जिहड़ा रिएक्ट कराने बेंजाइल बेंजिन सल्फोनाइल क्लोराइड ठीक है। बेंजिल सल्फोनाइल क्लोराइड दैट इज C6H5SO2Cl ठीक है। तो अगर अपने को वह प्राइमरी अमीन आ तो वह डिजोल्व हो जाएगा ठीक है। अगर वह अपने को सेकेंडरी अमीन आ तो प्रॉपरली प्राइमरी अमीन च की होएगा प्रॉपर डिजोल्व हो जाएगा, सेकेंडरी अमीन च की होएगा कुछ ना कुछ रेजिड्यू बचेगा मतलब प्रॉपर डिजोल्व नहीं होएगा। टर्शरी अमीन जिहड़े आ वह आपां नूं कोई रिएक्शन नहीं देणगे मतलब डू नॉट रिएक्ट। तो इदा आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीनस के विचकार। नेक्सट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमैटिक सबस्टीट्यूशन रिएक्शन। तो जिहड़े अपने को एरोमैटिक अमीनस होंगे दैट इज आप एनिलिन दे एग्जाम्पल ले लेंगे। तो एनिलिन च की है नाइट्रोजन ते लोन पेयरस आ, तो यह रेजोनेंस च इनवॉल्व होणगे। तो अगर रेजोनेंस च इनवॉल्व हो रहा इतने नैगेटिव चार्ज आ रहा ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनावे। सो ए अपने को NH पॉजिटिव इतने आ गया नैगेटिव, तो नैगेटिव ते कौन अटैक करता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, इस करके ही इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो इन्हों की हैलोजिनेशन हो सकती है, हैलोजिनेशन लिए आप जिमें हैलोलकेन्स पढ़ते हैं कैरियरस होंगे हैलोजन कैरियरस, सिमिलरली इन्हों हैलोजन कैरियर होंगे जिमें FeCl3 और AlCl3, दीज आर हैलोजन कैरियर। तो जिहड़ी आ इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टीट्यूशन रिएक्शन आ वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर ही होंगी है, क्योंकि नैगेटिव चार्ज जिहड़ा ऑर्थो पर आएगा या पैरा पोजिशन पर आएगा ठीक है। तो जिमें अमीन है सॉरी एनलिन है, एनलिन दे आपां ने ब्रोमीनेशन करवाई, अगर एक्सैस यूज करते हैं आपां ठीक है 3 मोल यूज करांगे, तो जिहड़ियां सारे दी सारियां अपने को पोजिशनज होणगियां ऑर्थो एंड पैरा, तो जिहड़ी आ इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टीट्यूशन रिएक्शन होएगी ठीक है जी। अगर आपां इहदी ब्रोमीन की जगह असाइलेशन करवानी आ जां कुछ भी, जिवें असाइल ग्रुप है पिछे ही करके हटे हैं एलीफेटिक दी, एसाइलेशन लई
यूज करते हैं अपन CH3 COCl, तो इथो हाइड्रोजन जाएगा HCl, तो अपने को इथे जड़ा प्रोडक्ट बनेगा NH CO CH3। ठीक है जी, इनू एस्ट एनिलाइड बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एस्ट एनिलाइड। तो जी सिंपल याद रखना, जी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होएगी जिवें हुण आही है, यदि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करवानी है अपन ने NHCO CH3, तो यदि ब्रोमिनेशन करवावे या तो अपने को पैरा ते, ठीक है NHCOCH3, या तो पैरा ते ब्रोमिन लगेगा, सॉरी ऑर्थो ते, या अपने को पैरा ते। ठीक है, अगर एक्सेस ले रहे हैं, एक्सेस च अपने को की है, सारे दी सारिया पोजिशन ऑक्यूपाई हो जाएगी। तो अगर आप नाइट्रेशन करवाने, नाइट्रेशन इज इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स बनते हैं। बट एक इतने रीजन होंगे कि इन केस ऑफ नाइट्रेशन, तो अगर यदि नाइट्रेशन कराई NH3, नाइट्रेशन च तीन बनते हैं अपने को, ऑर्थो ते भी आएगा, ठीक है, तो पैरा भी बनेंगे और मेटा भी। ठीक है, मेटा प्रोडक्ट जोड़ा आ वो अपने को ज़्यादा एक्सेस च बनेगा अगर आप डायरेक्ट नाइट्रेशन कराने। अगर आप इन दी प्रेजेंस ऑफ, अगर डायरेक्ट नाइट्रेशन कराई कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के नाल, तो अपने को पैरा दे जिहड़े आ चांसेस, सॉरी मेटा दे चांसेस ज़्यादा आ बनने दे। अगर आप इन दी प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड करवाने कैरियर दी प्रेजेंस च, तो अपने को जिहड़ा बनेगा दैट इज ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है जी, तो ये मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन कंप्लीट करनी आदि है या जो डिस्टिंग्विश करने वाले टेस्ट आते हैं। ठीक है, सल्फोनेशन सिमिलरली, सल्फोनेशन भी जी होएगी अपने को ऑर्थो या पैरा पोजिशन पर होएगी। तो बच्चे रिएक्शंस काफ़ी बार हो चुकी हैं, पहला भी मैं जो चैप्टर करवाया उन्होंने भी ये रिएक्शन करवाइया है। तो सल्फोनेशन इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड NH2, तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस करवा सल्फोनेशन होएगी, तो NH2 SO3H, ठीक है, या अपने को बनेगा ऑर्थो या अपने को बनेगा ये पैरा। ठीक है जी, SO3H, तो ये कुछ रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। तो इस तो बाद जड़े आ डिस्टिंग्विश टेस्ट करने ने एक दो, और एक बेसिक करैक्टर वाला टॉपिक है वह करांगे, बाकी तो आई थिंक ऑलमोस्ट डन। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, तो क्योंकि अपने पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन्स, तो नाइट्रोजन से एक तो अपने पढ़ लिया एनिलिन, सॉरी एक तो अपने अमीन्स पढ़े, तो एक बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट भी आएगा। ठीक है, वो भी पढ़ांगे। तो पहला अमीन्स खत्म कर लिए, ऑलमोस्ट अमीन्स खत्म हो गया, एक टॉपिक रह गया दैट इज बेसिक करैक्टर, तो वो इंपॉर्टेंट आ, तो नेक्स्ट लैक्चर च करांगे वो जिहड़ा है टॉपिक। तो इस तो बाद जिहड़े आ एक्यूरेट दे क्वेश्चंस डिस्कस करवाऊंगी, क्योंकि जिहड़ा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट आ उहदे च क्वेश्चन घट आउंदे आ, एक दो रिएक्शंस कर लवांगे उहदे च, मेन ज़्यादा जिहड़े आउंदे आ अपने को क्वेश्चन वो आउंदे आ अमीन्स वाले टॉपिक च, तो उहदे अकॉर्डिंग देख लांगे। ठीक है, एक्यूरेट तो देख लवेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।